डीडी एकेडमी की तरफ से 16 अप्रैल करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उसे अवश्य डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम सेशन पे चलते हैं। T20 की 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? जी हाँ, T20 की 200 मैच इस टीम ने खेल डाला है, वो मुंबई इंडियंस है। आपने एकदम सही पकड़ा है, आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस टीम ने T20 में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और इंग्लैंड की टीम जो समरसेट है, जो अभी तक 199 मैच खेली हुई है, उससे एक मैच खेल के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। नाउ अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा में किस देश के सहयोग के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी? यह है डेनमार्क। थोड़ा हम जान लें कि देखिए, सबसे पहला तो एक चीज जान लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ही 15/4/2019 को भारत और डेनमार्क के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौते का, जो पहले की तिथि में हुआ था, उसे मंजूरी दे दी है। तो ये एक मंजूरी है। देखिए, हमारे अब जो है, ऐसे भी हम विश्व में जो है इस पवन ऊर्जा में हमारी पोजीशन जो है 5वीं है, और इस पे हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी स्थिति जो है विंड पावर एनर्जी में और भी सुधरे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा समिति के मुताबिक दुनिया में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? जी हाँ, ये जान के रखेंगे, सबसे ज्यादा दो है इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम है, और दूसरे पोजीशन पे जर्मनी है, और हमारी जो पोजीशन है पूरे विश्व में वो 5वां है। तो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम सबसे पहला है पवन ऊर्जा में, जर्मनी जो है दूसरे स्थान पे है, और हमारी स्थान जो है 5वां है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। धीमी ओवर गति के लिए हाल ही में आईपीएल 2019 में किस खिलाड़ी पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो ये विराट कोहली पर लगाया हुआ गया है। मैटर्स को थोड़ा आप जानते ही हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन जो है विराट कोहली पर किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में धीमे ओवर रेट के कारण उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में रेगिस्तान सहारा मरुस्थल में 251 किलोमीटर लंबी सबसे कठिन रेस का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? यह पहली बार नहीं, हर साल होता है, यह मोरक्को द्वारा किया जाता है। 251 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं, इसके 6 स्टेज होते हैं और रेस का नाम है मैराथन देस सावलेस, जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में रनर्स को 6 दिन तक रोज 40 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ लगानी होती है। आप देखिए किस तरह के बालू में इनको दौड़ना पड़ता है। मोरक्को के एल मोरावाती अभी ओवरऑल आगे चल रहे हैं। डेजर्ट रेस 1986 से होती आ रही है, अब तक 13,000 से ज्यादा रनर जो है इसमें हिस्सा ले चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने तटीय आर्द्र भूमि के क्षेत्रों को बचाने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह है इसरो के साथ, क्योंकि CMFRI मतलब सेंट्रल मेरिन फिश रिसर्च संस्थान जो है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है, इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से तटीय क्षेत्रों में छोटे आर्द्र भूमि क्षेत्रों के मानचित्रण, सत्यापन और सुरक्षा के लिए समझौता किया हुआ है। सीधे सपाट में
सीएमएफआरआई ने इनके साथ इसलिए किया हुआ है कि एक डाटाबेस बने, जिस डाटाबेस के अनुसार कि 2.25 हेक्टेयर से छोटे आर्द्र भूमि के क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस बने, जिसके ऊपर सरकार आगे कार्रवाई कर सके कि उनपे कुछ चीजों को हम उगा सकें, उसे इस्तेमाल में ला सकें। इसके लिए सीएमएफआरआई ने इस डाटाबेस के लिए इसरो के साथ जो है समझौता किया है। दुनिया के अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते ही हैं कि अभी के हाल के सालों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूरे विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग, ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसका स्लोगन है। ये एआई जो है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा, और ये जो है मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है जो दुबई का है, तो वहां ये इसे मेजबानी हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चौथे एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ये डीआरडीओ के हैं, डीआरडीओ को जो है के निर्देशक डॉक्टर ए के सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में चौथे एपीजे अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान डीआरडीओ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्होंने विखंडन उत्पादित रेडियो न्यूक्लाइड्स और संक्रमण इमेजिंग के आंतरिक विनिगम के उल्लेखनीय योगदान दिया है। संक्रामक घाव का पता लगाने के लिए उन्होंने डायग्नोबैक्ट कीट की खोज की है और फार्माकोसाइंटिग्राफी का पेश किया है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव हैं, ये आप जानते ही हैं, और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना जो 1958 में हुई थी, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसने जीता? ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जॉन मूर ने जीता हुआ है, और एक रोती हुई छोटी लड़की की तस्वीर जिसे उसकी मां के साथ अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है, इस छवि को टेक्सास में प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता है। दिग्गज गेटी फोटोग्राफर जॉन मूर ने जून 2018 में रियो ग्रांडे घाटी में यह तस्वीर को लिया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या नाम है, का पहला स्वदेशी रूप का डिजाइन और विकसित परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम है निर्भय। निर्भय जो है हमारा जो है अभी ऑल वेदर मिसाइल है। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, और ये देसी है, हमने स्वदेशी है, और इसे पारंपरिक और परमाणु वारहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये है हमारा निर्भय। अब आइए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। जनवरी मार्च 2019 के तिमाही में किस आईटी कंपनी ने 8000 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है? तो वो है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस। TCS ने 8000 करोड़ से ज्यादा, 8126 करोड़ जो है, इस जनवरी से मार्च 2019 में इन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, जो पिछले साल से 17.7% ज्यादा है। अब नेक्स्ट न्यूज पे कल का जो है सवाल था, ऑलमोस्ट सबने सही जवाब दिया, एक दो ही का गलत रहा।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 128वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें स्मरण कर रहा है और ये उनकी चैत्य भूमि है जिसे हम देख रहे हैं और ये भूमि वो नागपुर की भूमि है जहां पर 5 लाख हिंदू एक साथ भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म को अपनाए थे। चलिए आज के सवाल पे आते हैं। आज का सवाल है, रिचर्ड पाइबस को किस देश के क्रिकेट टीम के कोच के पद से हाल ही में हटा दिया गया? तो ये एक काफी विवादास्पद भी था, बहुत सारे इस पे न्यूज भी है। तो रिचर्ड पाइबस किस देश के क्रिकेट टीम के कोच थे जिन्हें हाल ही में हटा दिया गया? और मैं जानता हूं कि सवाल का जवाब जो है आप लोगों से एकदम सही आएगा, तो आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।